और इस बीच प्रयागराज से जानकारी आ रही है जहां वजीर खाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की जा रही है। मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चली, कोर्ट के न बैठने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी है। अगले हफ्ते मामले की अगली सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष को दाखिल करना था जवाब, कोर्ट के न बैठने के कारण नहीं हुई सुनवाई। और आपको बता दें कि हिंदू पक्ष को जवाब दाखिल करना था। प्रयागराज से ये बड़ी जानकारी, वजू खाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग, मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चली है। तो आपको बता दें ज्ञानवापी में मौजूद वजू खाने की जांच को लेकर अब अगले हफ्ते इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आज हिंदू पक्ष को दाखिल करना था अपना जवाब। वजू खाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की जा रही है और मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चली, कोर्ट के न बैठने के कारण नहीं हुई सुनवाई। वहीं आज हिंदू पक्ष को दाखिल करना था जवाब। मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चली है, ये बड़ी जानकारी आ रही है सामने। एएसआई सर्वेक्षण की मांग की जा रही है, वजू खाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग की जा रही है। कोर्ट के न बैठने के कारण ये सुनवाई नहीं हुई और हिंदू पक्ष को आज जवाब दाखिल करना था। अगले हफ्ते होगी मामले की अगली सुनवाई। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? अब कहा जा रहा है कि अब अगली सुनवाई अगले हफ्ते होगी। वजू खाने के एएसआई सर्वेक्षण की मांग भी अब काफी तेज हो गई है। जी बिल्कुल, जो वाराणसी का ज्ञानवापी मामला है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया है, जिसमें मांग की गई है कि वजू खाना जो है उसका एएसआई सर्वे कराया जाए और उसकी जो वादी है, जो उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जो है एएसआई सर्वे कराया जाए, क्योंकि वहां पे जब निचली अदालत ने इस मांग को खारिज कर दिया था तो उस मांग को लेकर उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में उन्होंने मांग की है जिसपे आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज लिस्टिंग में थी वो केस, और लिस्टिंग में केस होने के कारण वो पास ओवर हो गया, तो इसलिए अब वो अगले हफ्ते में, आज सुनवाई इस कारण से नहीं हो पाई, अब अगले हफ्ते इस मामले की सुनवाई होगी और उसमें फिर आगे देखना होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या इस पे डिसीजन देता है। क्या एएसआई सर्वेक्षण की मांग को लेकर एक मत नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं, मुस्लिम जो पक्ष है वो बिल्कुल भी इस पक्ष के लिए राजी नहीं है, वो तो लगातार इस चीज का विरोध कर रहा है, वो चाहे निचली अदालत हो, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो सभी जगह पे जाके विरोध कर रहा है। और इसमें दोनों पार्टी जब आमने सामने होंगी तो उस पर क्या निर्णय लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस है, तो वही सबसे महत्वपूर्ण होगा कि क्योंकि ये सबसे चर्चित मामला है, क्योंकि जहां मुस्लिम पक्ष इसको फाउंटेन बता रहा है तो वहीं हिंदू पक्ष जो है इसको शिवलिंग बता रहा है, तो इसी मामले को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या इस पूरे मामले में निर्णय लेता है और क्या डिसीजन देते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं, उसी पे सबकी निगाहें और सबको इसी का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि दोनों समुदायों के बीच में इसी मामले को लेकर काफी दूरियां और वाद विवाद की जो स्थिति, चाहे सिविल कोर्ट में हो, चाहे इलाहाबाद हाईकोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, सभी जगहों पे जैसे ही कहीं पे उनके पक्ष में आता तो उसके खिलाफ वो चले जाते हैं, अगर इनके पक्ष में आता है तो एक दूसरे की भी तो आगे बढ़ा रही है प्रक्रिया, तो उसी प्रक्रिया को लेकर अब इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या लेता है वो अगले हफ्ते पता चलेगा। जी बहुत शुक्रिया अमित इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं।